सब राम राम। राम राम बेटे सत्य राम राम। ताऊ आज इतने सुथरे लत्ते पहन के किसी के ब्याह में जाओगे? ना बेटे सत्य ना, आज तो मैं जमीन का सौदा करने जा रहा हूँ। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, अभी तो भाई और बेबे भी छोटे छोटे हैं। ना वह बात को नहीं। तो क्या बतान पड़ी भाई, कितनी खेती बाड़ी मेहनत कर ले सत्य, दो वक्त की रोटी मिलनी बड़ी मुश्किल होगी। तो ताऊ फिर क्या फैक्ट्री लगाने की सलाह है? मेरा मतलब यू है, ना तो ताऊ तू पढ़ा और ना तन्ने बालक पढ़ाए, इन फीसों की धार काटोगे तुम? अरे 80 लाख मिल रहे से सारी जमीन के, इतने पीसे के ब्याज ब्याज में तो सारी जिंदगी कट जाएगी, और क्या चाहिए? फिर रहोगे कहाँ? शहर में रहेंगे अपनी कोठी बना के। ताऊ तू बता, 20-30 लाख रुपए की तुम कोठी बनाओगे, 4-5 बहन भाई है, और बेबे का ब्याह भी करना, और उनके बंटवारे के पीछे और इनके हिस्से में 5-5, 7-7 लाख रुपए आओगे, और उसके ब्याज में तो रोटी पानी का खर्चा भी नहीं चलने का। यार सत्य तू तो अपने ताऊ का भी ताऊ हो रहा, जा पहलवानी कर पहलवानी, अपना दिमाग मत लड़ा, चल बाबू गाड़ी आ गई। सत्य कह तो ठीक रहा है, सुन की बात से तू भी सादगी कुत्ती की ढाल हो गया, जिसके पाछे राख लगी देखी उसके पाछे हो गया। इतने दिन से जगबीरे पहलवान की दारू पी रहे है, एक बार ना करके देख तेरे गल में हाथ गाल के काट लेगा। मैं चल लेना मेरे भाई। वे मुंह से तो हरामी धोबी बाट भी मारे है, रे उसे खाज कर रहा के, रे काले रे उठाना मारना लाद। उस्ताद जी इसके होलिए कुत्ते फैल, कहो तो इलाज कर दूं। रे तेरा ससुरा खड़े में भी यो काम, दौड़ नार तेरा। रे के ज्ञान से काले, रे पड़ा पड़ा किंच है, उठा के फेंक दे। उस्ताद जी आजकल यो काला काम का नहीं रह रहा, यो है ना बादाम खाने छोड़ के पिज्जा खावे है, जगबीरा पहलवान दो रहे। खबरदार, जो किसी ने जगबीरा को पहलवान कहा, जगबीरे की तरह उसे भी इस अखाड़े से निकाल बाहर फेंक दूंगा। कुश्ती एक पूजा है, कमजोर आदमी की मदद के लिए अपने हांगे का प्रयोग करो। जा रहे कुंडी सोटा ठा लिया। अरे ठा लिया। उस्ताद जी कुंडी के निवो उठ जाएगी, यो को काला तो पिज्जा ने चला रखा है। अरे इस अड़ंगे का कोई देसी नाम भी तो होगा। उस्ताद जी अड़ंगा ना है यू, लोहे के डाल दो मोटे मोटे रोट और उन पे प्याज नींबू तरकारी और ऊपर से बालकों का धर दे रीत। के बताओ उस्ताद जी, इसके है ना लोग 200-200, 300-300 रुपये दे हैं, हर खाए बाजे हैं ना पुच्छा पर के मरोड़ी मार के न्यूकेंगे वे जी सागर। अरे इतने महंगे खावे कौन? उस्ताद जी जिसकी जमीन हो तो 30,000 की और बिक जा 30 लाख में, ऊंचा सोने का बनाया खा लो, कौन रोक रहा है? भाई दुनिया का अंत आ लिया, बजरंग बली की माया, चलो तुम भी कुछ कर लो। के सारे खाजली कुतिया की तरह खाज करे जाओ, कदे ढंग से भी तो कर लो। हम तो गुरुजी बोटी बनाना वहाँ देखा किते बैठ जा सूत। इतने सुथरे छोरे कहाँ मिलेंगे, और जो किसी दिन किसी भी विधवा से आग लड़गी ना फिर फिरेंगे पंचायत करते गांव में। रोज 500-500 दंड पे लो, उस सत्य से भी कुछ सीख लो, वो भी तो किसी का छोरा है। गुरु जी आपने नाम लिया और देख बेहतर किलो की धूल उड़ दिया है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। गुरु जी प्रणाम। खुश रहे बेटा, शाबाश खूब नाम कमा। उस्ताद जी हम क्या आधार कार्ड दे, हम भी तो नाम ही कमावे। नाम कमावे रल गोट तो संभल दी कोई नहीं।
उस्ताद जी, यो लंगोट है ना पहलवानी करने खातिर को नहीं बांधा, यो तो डरदा बंद है, कदे कांच लकड़ी से पड़ जा। तो ठहरी है मेरे सुसरे, ना बोल रहा हूँ। गुरु जी कहो तो थोड़ी बहुत टेंशन मार लूं। ना बेटा, ये आरती का टाइम हो रहा। उस्ताद जी, जगबीरा पे जगबीरा आवे है। खबरदार, फिर कह दिया जगबीरे को पहलवान। वो पहलवान के नाम पे कलंक है, वो इसे खाड़े में नहीं बढ़ सकता। चलो आरती की तैयारी करो। चलिया इस चमड़ी ने तो चमका जा। चल मरी इधर। जय बजरंगबली, चलो नहाओ और आरती करो। उस्ताद जी, यह तो बहुत बुंदी बात है। काले ने तो जगबीरा देखा और पिल्ले की ढाल पिछाड़े पूछ देकर कू 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 करता चला गया। रे गोदू, यो भी पहलवानी करण का कोनी रहा भाई। अरे क्यों घनी बकवाद कर रहे हो? इसमें बकवाद की क्या बात है, ये तो सब जाने। काले जो है जगबीरे के भजिए पव्वे और पुड़िया लान का नौकर हो रहा और के। अरे लावे तो है, पिता तो ना है भाई। तेरे क्यों छो उठा? छो गुना उठा भाई, सब जाने। सत्य जो है जगबीरे के ताऊ का लोंडा, एकदम सगा भाई जैसा। रे क्यों किसी की बात में बढ़िया करो? उस्ताद जी ने के बेरा भाई का तो यू हाल है कि जमीन की खातिर अपने बाप को मारने में एक मिनट ना लगावे। और वो तो उसका बस नहीं चलता, नहीं तो मुझे और मेरी माँ को एक मिनट में उड़ा दे। रे ओ शराबी को अभी ने आजकल अपना अपना सबदा, वो दूसरे की जमीन के कब जावेगा? उस्ताद जी, ये तो आपकी और बजरंग बली कृपा है जो मैं उनके हर वार से बसता आ रहा हूँ। चल रहे बहुत हो गया, बजरंग बली भली के बली, जाओ स्नान करो। तुलित बल के धाम, चरण थारे लाख लाख परनाम। हे बजरंग अतुलित बल के धाम, चरण थारे लाख लाख परनाम। हे बजरंग अतुलित बल के धाम, चरण थारे लाख लाख परनाम। के दास हम हैं, दास दास के दास। तुम हो श्री राम के दास हम हैं, दास दास के दास। दिया राम का तुम पर हाथ, सगरे सिद्ध होंगे सब काम। बजरंग अतुलित बल के परिणाम।
हनुमान अपनी कृपा का दो दान। हे पवन पुत्र हनुमान अपनी कृपा का दो दान। तुम हो बुद्धि बल और ज्ञान, तुमसे कौन न होता काम। बजरंगी अतुलित बल के धाम, चरण धारे लाख लाख हरण है मंगल मूरत रूप। हे पवन तन संकट हरण है मंगल मूरत रूप। हे संकट मोचन आन उबारो रघुनंदन के नाम। हे बजरंग अतुलित बल के धाम, चरण थारे लाख लाख प्रणाम। हे बजरंग अतुलित बल के धाम, चरण थारे लाख लाख प्रणाम। हाँ भाई, आज का संकल्प लो। शाबाश। हाँ भाई सत्य, जल ग्रहण कर ले। ओम हनुमते नमः। लो भाई आज का संकल्प लो। लो शाबाश। हाँ जी गुरु जी, आज का संकल्प दो। हाँ आज का संकल्प है, मैं आज के दिन माँ बहन और बेटी को छोड़ किसी भी स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। जल छोड़ दो। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। लाल लंगोटे वाले हनुमान की जय हो। राम के भक्त हनुमान की जय हो। हेलो लड़की। हेलो, देख कितनी जोर जोर से हेलो हेलो हो रही है। इन मोबाइलों ने भी गांव वालों की ऐसी की तैसी करके धर दी। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ए मिस्टर, सुन रहे हो क्या? देख कितनी जोर जोर से बोल रही है। जे अगले का मोबाइल रेंज में ना हो, भौंक के जा, उसे क्या सुन रही है? अरे बड़ा अजीब आदमी है। पहलवान जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये छोरी तो मुझे बुला रही दिखे। हे बजरंग बली, आज के संकल्प की लाज राखे। पहलवान जी मेरी बात तो सुनो। हाँ जी, क्या बात है? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देखो जी, मदद करने का संकल्प तो कल का था। प्लीज पहलवान जी, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, निकलवा दो ना प्लीज। अच्छा जी, स्टेयरिंग पर मैं बैठ जाता हूँ, तुम पीछे से उठा लियो। अरे भला मैं गाड़ी कैसे उठा सकती हूँ? तो आप स्टीयरिंग पे बैठ जाओ, पीछे से ठा मैं लूंगा। ठीक है। We'll be right back.
थैंक यू पहलवान जी। आप अंधे हो क्या? देख नहीं सकते? ना जी, अंधा कोनी मैं, सब कुछ दिखे मुझे। तो मेरी तरफ नजर उठा कर देखते क्यों नहीं हो? ना जी, संकल्प है। कैसा संकल्प? जी औरतों की तरफ नहीं देखना। लेकिन मैं औरत थोड़ी ना हूँ, मैं तो लड़की हूँ। फिर तो और भी बड़ा खतरा है। हाँ, किस बात का? मैं आपका मतलब नहीं समझी। अजी तो मतलब समझे के करोगी, यूँ तो सब गुरुओं की माया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे अरे, अपना नाम तो बताते जाइए। सत्या पहलवान कह जी मजे। सत्या पहलवान जी, क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? जी के सेवा कराऊँ आपसे? मुझे तो यू भी नहीं पता कि आप भुंडी हो या सुत्री। तो फिर मेरी तरफ नजर उठा कर देखते क्यों नहीं हो? अजी यू ही तो रोना है, आँख नहीं उठा सकता। तो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। लो देख लो। ना जी ना, आज नहीं देख सकता। तो फिर तड़के फिर बसा दियो। खड़े में जाने की जरूरत ना है। साला सारे दिन खावे जी में या मेरे धोरे डोले बनाओ उरे माटी में जाके। चल चल। यहाँ के तमाशा हो रहा है, लिस्ट देख के एक एक ने लेके आओ। एक भी कम नहीं होना चाहिए, आठों के आठ आने चाहिए, समझे? राम राम छतरधारी भाई, क्या बात है? आज दरबार बड़ा सुना सुना लग रहा है। दरबार लगने में कौन सी देर है? यो साला हरामी आज फिर अकाड़े में जम रहा, नहीं तो दरबार लग गया होता। क्यों काले, क्यों करे ऐसे चाले छतरधारी भाई? काले के बाप ने बुलाया? इसका बाप भी आ जाएगा। सुसरे के 1.5 किले ही तो जमीन है, सुन रहे? दारू पानी का इंतजाम कर, उतनी का खसम। ना भाई, किला 150 या 150, किला एक भी टूटना नहीं चाहिए। अपनी पूरे 1170 किले की खोल हो रही है। तुन रे दलाल, कान खोल के, 1170 नहीं 1185, 15 किले मेरे आड़े भी हैं। ओ भाई छतरदारी, तेरी जमीन सकी में कोनी आती। कलोनी खातर तेरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, पर तेरा मेरा वादा है कि तेरी जमीन बिकवाऊंगा, जरूर जरूर बिकवाऊंगा। हौसला रख। राम राम ताऊ, क्या हाल है? ताऊ का के अड़बंगा हो रहा है, काचे काट रहा है कि मैं काम का ना धाम का, और बेटा बाप की बेवकूफियां भुगतन लाग रहा है, और बाप खुशी राम खुशी खुशी देसी घी छिक रहा है। आग लगा दे मेरे ऊपर देसी घी डाल के, सारे दिन खून चलाए जावे। इसी के बात होगी? अरे बात के होनी थी भाई माधो। सारी दुनिया जाने है कि मैं और सत्य का बाबू मोहकम दोनों सगे भाई थे। जब हमारा बाप मरा तो वो दो टुकड़े जमीन के छोड़ के गया था, एक 15 किल्ले का और एक 10 किल्ले का। जब बंटवारा होने लग गया तो मोहकम कहन लग गया, भाई तू बड़ा है, तू जोन सा मर्जी ले ले, पर यू पित्तल के मेखा आली बुग्गी या मने जरूर दे दे। बस फिर के था, मने वो 15 किले आला टुकड़ा अपनी तरफ कर लिया, वह जमीन भी अच्छी थी, और वो 10 किले आला टुकड़ा वो मोहकम थे दे दिया। वह ऊंची थी, उसमें थोड़ा सा मूंगफली और जवार बस ईसाए कुछ होया करे था। अब मुझे के पता था, अब 20 साल पीछे वह 10 किले तो करोड़ा में पहुंच जाएगी, और मारे आड़े 15 किले वे 10 लाख के रहेंगे।
चाणा काग हमेशा गंध में मुंह मारक रहे। रहन दे, इन 15 किल्ला के गंध ने तो तेरी बहन ब्याह दी और इन नहीं तू सांड पाल दिया। इब अपने बाप ने सिंह दिखावा है। मेरा पास चाले ना तो इन्हीं सिंह जाते तेरी छाती पाट दूं। और इसी औलाद कर भी के सके है। और तो और, जब सत्ते का बाबू बीमार होया था ना, और तो ऑपरेशन ताई 50,000 रुपए की जरूरत थी। सत्ते 50,000 रुपए ताई 10 के 10 किले बेचे था। मैं यूं सोचू था ले भाई की मदद हो जाएगी, इसमें क्या हर्ज है। पर इस कमीन ने ना तो वह जमीन बिकन दी और ना खरीदने दी। यूं बोला कि मर जान दे चाचा, इस सत्ते की नाड़ मैं तोड़ दूंगा और फिर जमीन अपनी। नाड़ तो मैं भी तोड़ दूं, जमीना के सौदे तो निपट लूं। और भाइयों, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस बत्तीस तेईस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तालीस चालीस चालीस बयालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सत्तानवे उनतीस पचास इक्यावन सत्तर पचपन पचपन पंद्रह उनसठ साठ इकसठ बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर तिहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस चौबीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस उनतालीस चालीस चालीस बयालीस तैंतालीस उनतालीस चालीस 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 चाले। और जो लिकट गया ना बाहर, जो पहले जो हाँ? जो जो घनी देर तक भीतर रह गया, बस ठीक है चल हो जाएगी, देखी जाएगी घना बने। चल 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 आ जा, तो फिर हीरो बन रहा अपने आप में। अरे मैं तो नहीं हुआ हीरो बना कर हूँ, लाल लाल एक मारूंगा चार गिनूंगा, बनाऊ बढ़िया ही थी। चल चल दांत तोड़ूंगा हाथ में दे दूंगा, दो बजे घना बढ़िया बन रहा हूँ, सारी कड़ लिगाड़ दूंगा। चल ले आगे ले ले बड़, आजा काट दू कपड़े, आजा काट ये ले फिर। हाँ ले चला बड़ पानी में, आजा तू भी। चल ओए चल चल मार गोता, पकपाद बत्ता है घनी, अंदर को बड़ बड़ू के। हाँ बड़े आजा आजा आजा, एक एक दो दो एक तीन आई चले ना नहावांगे। अरे बाबर की कितना से पानी से किसी ने देख लिए थे गुच्ची मार लेंगे। कपड़ों की धार काट रहा दूसरे नंगे जंत, अब कपड़ों के करेगा जब सारे कपड़े उतर लिए। ओ काले, ओ तेरा बाप आज भी जगीरा तो रनिया आवाए। काले क्यों करो हो ऐसे चाले यार, हैं?
कौड़ियों के भाव की जमीन है, सोने के भाव बिकल लाग रही, तुम लोग क्यों फैला नहीं उठाते यार। वह तृष्णा बहन और तांबे न्यूते हैं ते जमीन बेचो दे ते थाव देते। अरे ओ ऊत के ऊत, उसमें तो इतनी फसल भी को ना होती कि उसे बेच के एक लंगोट ले लियो। जा भाभी ने बुला और अपने बापू ने बुला। मेला बाबू तो नाते है, पहले तो तवे था बेचन थी, पर उस तृष्णा बहन ने बेरा नी तान में ते फुस फुस कर दी, जब पाछे न्यू तवे है जान दे सता, पर जमीन तो ना बेचा। 16 आने और 100 पीसे सच्ची बात है कि ऊत टोने होन तो टोने जान की जरूरत को दी। रे ऊत मेरी बात सुन, मुझे न्यू बता कि तने मोटरसाइकिल कौन सी अच्छी लगा। स्प्लेंडर। स्प्लेंडर और टीवी कलर। हे कलर, ओ कलर के फूफे, ये सारी चीजें और ये सारी ठाट बाट तभी मिलेगी ना जब जेब में पीसे होंगे हैं, तो पैसे हम देन लाग रहे। मेरा तो दनाई दी तरह थे, पर घर वालों तो तुत्तर समझाऊं। अरे घर वाले ने समझाना कौन सी मुश्किल बात है, हैं तू तो बड़ा चालू है। मैं समझा नहीं जी। अरे इसमें के समझन की बात है मूर्ख मूड गवार। सुन, एक बार बचपन में मैं अपनी माँ से बोलिया कि भाई जाए लूंगा, तो मानी नहीं। फिर थे भैया जी। फिर मैं भी था ऊतों का ऊत, मैं कौन सा घट था, मैंने कच्ची पैन नहीं छोड़ दी। फिर थे भैया जी। फिर भी समझाने की जरूरत है, हैं? फिर मेरा सारा कुणवा पाछे पाछे और मेरा जुलूस आगे आगे, समझिया? समझ गया। तू अपने बाप ने समझा दे, उस कामरेड को तो मैं समझा दूंगा। जय बजरंग। हाँ भाई सत्ते ले। लो भाई आज का संकल्प लो। बोलो मैं आज के दिन संकल्प लेता हूँ कि किसी भी जनानी से बात नहीं करूंगा। छोरियां तो बतला सका हा। अरे छोरियां तो बिल्कुल मत बदला। चलो जल छोड़ो। ओम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम हं हनुमते नमः। ओम सूर्याय नमः। उस्ताद जी उस्ताद जी, मार ते एक गलती होगी। अरे इब तक तुम गए नहीं। तू बता दे रे गोदू। अरे गोदू क्या बताएगा, अच्छा चल बता दे गोदू। उस्ताद जी मार ते ना गलती होगी, संकल्प टूट गया। हाँ क्यों कर। उस्ताद जी हम जोड़ मनावा थे और दो छोरिया ने मारा संकल्प तोड़ दिया। अब के करें उस्ताद जी, आगे से ख्याल रखो। करीब के करा उस्ताद जी। आज पश्चाताप करो। किस तरह उस्ताद जी। तुम दोनों बजरंग बली से माफी मांग और फिर एक दूसरे ने थप्पड़ मारो, समझे। हाँ। बजरंग बली मारे ते गलती होगी, पर सच्ची बात तो यह है अकिया गलती जानबूझ कर करी नहीं। हाँ एक वे कोली भरे पाछे बेरा लग्या अक मेरी कोली में यो सुसरा नहीं, एक सुतरी सी छोरी थी। बजरंग बली नू तो मुझे उसे ना छोड़ देना चाहिए था, पर मुझसे गलती होगी। मैंने ना जोर से ना पानी में जोर से दबा दिया, मेरे ते गलती होगी बजरंग बली।
अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो हमें। चल मार मेरे थप्पड़। इब तू ले भाई। ही मेरा नंबर भाई, तन्ने मारा है। जोर से मार रहा तू। तू क्यों कुल मारे है? तू भी कितनी जोर तू मारे है? बजरंग बली ये मार रहा है। तू तो सच मुझे मार रहा। बजरंग बली मार रहा, जोर से मार रहा है तू। अजय तू तो लड़ाई पागे छोटू वाली आते हैं तेरे से, तेरा तोड़ दूँगा तेरे। वो क्या बोल रहा है? अजय अजय वाले तुझे आले तुझे छोटू वाले तुझे। छतरदारी भाई, 322 किले, ये तो तीसरा हिस्सा भी कोना होया। ये बीच में छोटे छोटे एक एक दो दो किले वाले भी तो आ जाएंगे। रे पहलवान आ जाएंगे, पर आए तो को नी ना। उनकी के मजाल जो मेरे तो नाट जे। नाट जे नी, नाट रे। कि मैं बात भी हुई होगी। रे वो काम रेड रेड मारन ते नहीं हट रहा। के बक रहा है? बके क्या है, मन्ने के हाथ थुड़ाने हैं। मैं तो न्यू कहूं था उससे कि तू रेट बता अपना। न्यू ब्याई कुतिया तरह मेरे पाछे पड़ गया हैं? सुसरा दो टांग वाला बकरा मैं करे था। देख, टांग तोड़न के 10,000 और हाथ तोड़न के 20,000। छतरदारी भाई, हम दोनों पार्टनर हैं, दलाली में आधा आधा कमीशन। दलाल? यो धंधा दलाली ते न्यारा है। अरे इसका इसी जगह से मांस पाड़ दे, मारे पीछे बच जा। ससुरा मारे बीच में रोड़ा बन रहा है, काम बिगाड़ू काम रे। काल ब्याने करा दिए और मैं उड़े अपने सामने ब्याने कराऊं। न्यू नहीं करया करें, पर ते पाछे रह के पुतलियां नचा पुतलियां। 100 सज्जन 100 दुश्मन, एक भी मानस सड़ गया तो काम में ग्रुप बाजी हो जाएगी। हाँ, तू तो बस नोट काट, काचे काचे नोट। हाय, हेलो पहलवान जी, कैसे हैं आप? तुमने कहा था ना, देखो मैं आ गई। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ओहो, सब ठीक ठाक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं हो? तुम भी अजीब ड्रामा करते हो, कल देखते नहीं थे आज बोलते नहीं हो। मुझसे दोस्ती करोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई संकल्प है क्या? ठीक है, कल बात करते हैं। कल कोई उल्टा सीधा संकल्प मत करना। रेला गुठा इमाशाई भी फूंक ले, नेताओं को गुठियों नहीं बना दिया। शाबाश शाबाश। रे मुंशी दे दे भाई, पीछे पीछे थम लोगों ने मिल रहे हैं
और खाज मेरे हाथों में हो रही है। सेठ बन जाएगा सेठ। काय का सेठ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो देख ले फिर, एक मिनट में लखपति हो जाएगा, सारे गांव के मुकद्दर जमके हैं। गुठा ला गुठा। कौन सा लाऊं? सुद्धा बलता। अरे पैर का छोड़ के कोई भी लगा दे। कर्मों वाला है जो माधो दलाल तेरे दोरे आ गया। नहीं हंडिया काम रेट के लिए 10-10 रुपए में लाल झंडा उठाए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे। अरे ठहर जाओ रे, डट जाओ। क्यों अपनी बर्बादी पे गुठे लाने लाग रहे सो? या ये क्या कैमरा टेंट? यो परकटी मैम। भाइयों इस जमीन ने मत बेचो। यह जमीन मारी मां से, और कोई अपनी मां ने भी बेचा करे। बंद कर अपनी रागनी को, किसी और को सुना लिए। रह ना लायक, रह क्यों घर उजाड़ो हो? ओए और के घर संभालता फिरे, पहले अपने घर को संभाल ले। जोड़ा टांगू क्यों इनके मुंह लाग रहे सो? रहना इन्हें गवार का गवार है। ए जासी रानी, तेरे में हिम्मत है तो तू भी बेच ले। जो तेरे धोरे भी एक भी लान जमीन होती ना, तो सबसे पहले तू ही फिरती गुट्ठे लगाती। रे पागल, नशे की हालत में जमीन बेचेगा तो रोवेगा सारी उम्र। ए गणी मास्टर नी ना बने, हमने अपने स्कूल बंद कर रखे हैं। टन टन टन, चल छुट्टी होगी, बाद जा अपने घरों। भाई बैटरी खत्म हो जाएगी, ले जा अपने अपने। बतेरी बाज ले। रे दलाल क्यों नाश करे से, तेरा भी नाश हो जाएगा। यू खांदे पिंदे नाश होएगा तो होन दे। यू लगवाया गुठा, ले भाई अपने आधे किले के 10 लाख ले। हाँ वकील साहब, अगला बोलो, करवाओ ठप्पा। दलाल जिस दिन यह गांव वाले लोग जाग गए, सबसे पहले ही गांव में तन्ने काटेंगे। जब तक यू गांव रहेगा तब ना। एक गई नहीं तू, फिर भुलवा दी गिनती। लो भाई दो, आ गया ले सत्ते। गुरुजी आज का संकल्प मैं दे दूं? बाबा तू दे दे, आज संकल्प सत्ते देगा भाई। शाबाश शाबाश, आजा रे, आ गया ना। हाँ भाई सत्ते दे संकल्प दे। आज का संकल्प यू है क्या? आज का संकल्प नहीं है। उठ, ये क्या कर दिया? गुरुजी आज तो रहने दो, तड़के चकच्चे दो दे दियो। चलो बात जो सारे। भाई चिड़े, आज तो कुछ गड़बड़ है, और दिखे दाल में कुछ काला लगा है मुझे तो। भाई काला के मन तया पूरी दाल काली लग गए है। आज तो भाई अर्जुन भी दुर्योधन वाली बोली बोले है। एक काम करें, इस दाल में सब काले काले काट दे सारे। चलो आओ। जगह से मांस पार दे, मारे भी से बचा ससुरा, मारे बीच में रोड़ा पर दे कर बिगर कर दे।
भाई कुछ गड़बड़ है। भाई के गड़बड़ हो सके थी, मारा पहलवान गड़बड़ नहीं कर सकता। यू किसकी बात देख रहा? राठिए इस ना पाती के ना तो बक्कल ने तार देगा। रा मिल गया यू ना लखपति बनन के चक्कर में लग रहा। यो तो दलाल भी लिकड़ गया भाई। टूटे है स्कूटर पांडा करदा पिटर पिटर करदा, नई मोटरसाइकिल ले ली। एक बात बताऊं भाई, जो जमीन का चक्कर नहीं पर यू लुगाई का चक्कर जरूर है। यो लुगाई का चक्कर में मारा पहलवान नहीं आ सकता भाई। अरे 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 ये तो लिकट गया, अरे भाग लिया यू तो। चल भी तो फिर पकड़ांगे। फिर नहीं पकड़ांगे। ओरे आज पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे, अभी करेंगे फैसला। चल चल आ जा। इस गांव में तो भुंडी हवा चल रही है, जिसने देखो जमीन बेचन की लाग रही है। उनकी जमीन जो चाहे करें। हाँ जमीन बेच बेच के शहर में रहेंगे और अनाज सब्जी और दूध किलो किलो मोल लेकर पीवेंगे। अरे पर पीसे भी तो मिलेंगे, खूब मौज करेंगे वे। इनकी उम्र तो मौज में निकट जाएगी, पर इनकी औलादा का के होगा? अरे औलाद के बारे में कौन सोचे? तने खरे पैसे मिलेंगे तो तू भी बेच देगा। तू बता तू के चाहे? एक दो करोड़ तो मिल जाएंगे 10 किल्ला के। बोल बेच दुके। मने के करना करोड़ा रुपया का, तेरे काम आते हो तो तू काल के बजाय आज बेच दे। देख माँ हमें के चाहे? सादी दाल रोटी, दूध घी,
सादे से कपड़े, सुख की नींद, वो तो हमें नहीं मिल रही है। और इन करोड़ों रुपए का हम क्या करेंगे? इन्हें गिनते गिनते तो हमारी उम्र लिखट जाएगी। बेटा, तने तो मेरे मन की बात कह दी। माँ, जो जमीन बापू के ऑपरेशन के वक्त न बिकी, हम बापू की जान न बचा सके, तू बता हम उस जमीन को बेचे के सुख पाऊंगे? इस जमीन ते तेरे बापू की याद जुड़ गई है, उसका पसीना इस मिट्टी में है, और जब भी मैं इस मिट्टी के हाथ लगाऊ हूँ, तेरे बापू के पसीने की महक आवे है। मैं भी जब जमीन में काम करूँ ना माँ, तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे बापू मेरे आसपास खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। अरे आज तुम्हारी जासूसी बिल्कुल फैल होली। रे भागो दू भाग। अरे तो ना मुझे तो भाजन की कह दी और तू भगाई नहीं। रे खतरा है सत्ते भाई ने, खतरा है। अरे कोई सा है के सत्ते? बस भाई बस बस। रोटी खावे था? ताऊ राम राम। जीमता रहे, तुझे देख के भाई की याद आ गई। ऐसा लग गया है जैसे मोहकम बैठा है मेरी सामने। काम की बात करना। सत्ते बूझ अपने ताऊ ते, के बात है जो छोरा इतना उतावला हो रहा है? कोई खास बात है के? खास बात तो कौन है बहू, पर सारे गांव में जमीन बेचने की हवा चल रही है। मैं यूं जानू था कि थारा भी जो माया बटोरन का मन कर रहा हो तो अपना जगबीरा दलाल धोरे रह वह है, सौदा भी ठीक ठाक करवा देगा और कमीशन भी घर की घर में रह जाएगी। यूं ही तो बात कर रहे था उतारे आने से पहले। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। क्यों रे जगबीरा, 20-30 लाख तो दिलवाए देगा ना तू? ना ताऊ, मेरी तरफ से तो मना है, माँ से पूछ ले। यू बेचती हो तो मुझे कोई एतराज ना। बात तो सुथरी है भाई, पर ये बात भी इतनी गलत ना है कि 2-2.5 करोड़ कम तो नहीं होते भाई? ताऊ घने कति घने, पर हमने क्या करना करोड़ रुपए का? हमें तो 2 टाइम की रोटी चाह, दूध घी, बस अपनी सादी सी जिंदगी। आहा, जी सा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे भाई मोहकम बोल रहा है। वो है सादगी, वो है आवाज। सत्ते एक बात पूछूं भाई? तू बड़ा है भाई, हुक्म कर हुक्म। अरे कति यूए बोला करता भाई मोहकम, हुक्म कर हुक्म कर। जगबीरा कर भाई हुक्म। सारे इलाके में सब तो महंगी बिकवा दूंगा, एक बार हाँ कर, 2-3 करोड़ बोल दूं। अरे खुश कर दिया जगबीरे, अरे खुश कर दिया जगबीरे, तने खुशी राम खुश कर दिया आज। हाँ इब तू बोल बहू, देख 3 पीछे इतनी बिंदी लगेंगी कि गिनते गिनते दिन निकला होगा और नोट गिनते गिनते सारी उम्र बीत जाएगी। ना ताऊ, मेरी तरफ से तो मना है, माँ से पूछ ले। यू बेचती हो तो मुझे कोई एतराज ना। कहिए रे, मेरी तो उम्र निकलगी, मने के करना है बिंदी आले करोड़ लेके? तुझे नहीं चाहिए कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी तो निकलगी, पर इस बालक के बारे में तो सोच। इसका ब्याह करना है, इसके होन वाले बालका के बारे में सोच। यू तो सारी हण खाड़े की माटी में लिट्टा रहे है। अपर तन्ने यू सोची है के आगे बंसबेल भी तो बढ़ानी है? कहिए रे अपने ताऊ ते, अकमारे कर्मा में और आन आले बालका के खातर जो लिखा है वो तो राम जाने, पर मैं जीते जी इस जमीन ने बेचन खातर हाँ नहीं भरूं।
अच्छा फिर एक काम कर, ये 10 किले तू हमने दे दे और 15 किले का टुकड़ा तू ले ले। थारे दोरे या जमीन रह जाएगी बुजुर्गों की और हम जाना हमारा भाग ना। मारी जमीन तो याई है जो सत्य का बापू सत्य ते देख गया है। ठीक है, के कहे भाई सत्य? ताऊ हम माँ बेटा अपनी जिंदगी सुख दुख बस यूं। यू के बकवास हो रही है, हम फायदे समझान खतरा आंड रहे हैं और ये यू कीर्तन करने लाग रहे। तो सुन भाई, ना मारी तरफ से तो ना है, बात खत्म। खत्म खत्म तो फिर कती खत्म खत्म। माँ बेटे पाछे इस जायदाद का मैं ही वारिस हूँ, तो ले फिर। बढ़ाए जाओ सरकार किलिया के भाव। जब लोगों ने दारू सस्ती में लाग दी है तो कल ने लोग दारू से नहाने शुरू हो जाएंगे। दलाल, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की स्कीम के साथ दिल्ली वाली फैक्ट्री भी यहाँ लगवा ले, वहां की जमीन पे मल्टीप्लेक्स बनवा देंगे। राव साहब, मैं तो चिड़िया की आंखों से सुरमा निकाल के ले आऊं, जमीन तो इतनी दिलवा दूंगा कि आप चाहे सारी दिल्ली ने यहाँ बसा लियो। दिल्ली बसा के क्या करना है, हम तो अपनी बेटी पम्मी की माँ को दिया हुआ वचन निभाना चाहते हैं, सब कुछ पम्मी की खुशी के लिए। सरकार आप बड़े लोग हो, आपकी सोच भी बड़ी हो या करे। इतनी बड़ी एम्पायर, यस, एक रियल एम्पायर देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी कि पम्मी की हैसियत महारानी जैसी हो। राव साहब, रानी की रियासत इतनी बड़ी होगी तो राजकुमार भी तो उससे बड़ी रियासत वाला ही होगा ना जी, नहीं? दलाल, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो आज मैं बेटी की ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। बस वो एक बार ये कह दे, पापा मुझे ये लड़का पसंद है, लाकर पम्मी के पहलू में बिठा दूंगा उसे। पर राव साहब, लड़का आपकी हसीयत जैसा ही तो होना चाहिए ना। हो या ना हो, बस पम्मी की पसंद का होना चाहिए। यूं तो कई रिश्ते देख रखे होंगे जी। इसे पसंद आए तब ना, ऐसे ऐसे अमीर और खूबसूरत कि दुनिया की हर लड़की ख्वाहिश करे, पर पम्मी पता नहीं उसकी पसंद क्या है। सत्ती, तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे दूध, घी और मंगलवार को हनुमान जी का रोट और 4-5 मील की दौड़, 500 बैठक और 100 दंड। हे भगवान। हाँ, भगवान तो मुझे ही पसंद है, पर हनुमान जी की तो बात ही नहीं आ रही है। एक चीज और पसंद है, दंगल, और वो भी जीतना, हारना पसंद ना मुझे। चाहे पहलवान कितने बड़े से बड़ा हो, पर साले को ठाठा का पटकने में मजा आवे। नू 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 नू। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत भारी होता होगा ना? यू कौन सी बड़ी बात है, चाहे पहलवान कितने बड़े से बड़ा हो, पर साले को ठाठा का पटकने में मजा आवे। एक लड़की का बोझ उठा सकते हो? बस इतना सही, लड़की को तो मैं घास हटा दूं। जल्दी बता कौन है वो? मैं। क्या जिंदगी भर मेरा बोझ उठा सकते हो तुम?
हाय मरगी हाय मरगी हाय मरगी 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 ऊत तने मार गिरी। हाय मरगी 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 ऊत तने मार गिरी। 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 हाय मरगी 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 ऊत तने मार गिरी। हाय मरगी 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 ऊत तने मार गिरी। नहीं पहलवान जी, आपकी ये जमीन हमारी स्कीम में नहीं आ सकती। अरे के बात कर रहे हो सुरेश साहब, हैं? आपकी तो पेंसिल चाल नहीं है, यू सीधी ना चाली, यू टेढ़ी होके चाली, बस। पर प्लान तो पूरा राव साहब देख चुके हैं, अब इधर उधर करना ठीक नहीं। तो गलत कर लो जी, आप हमारा ख्याल कर लो, हम आपका कर लेते हैं। मैं अपना ध्यान रखकर ही बात कर रहा हूँ मिस्टर जगबीर। हाँ, अगर राव साहब कोई एक्सटेंशन की बात करते हैं तो देख लेंगे। बस 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 बस, मैं समझ गया जी, आप जैसे पढ़े लिखे के बीच में रह के इतना तो समझ लग गया जी।
हौसला रख पहलवान, ये लोग न्यू ही नहीं बड़े लोग होया करते। ये सोचे गणा पेंसिल चाली और करोड़ा के करोड़ा इधर से उधर हो लिए। नमस्कार राव साहब। एक बार तो न्यू लग्या के राम और किशन कन्हैया एक रूप धार के भीत बातें निकल आए। तुम बातों के धनी हो दलाल, पर जमीन अभी तक पूरी नहीं ले पाए। आपने एकदम खरी बात कही राव साहब। बात यूं थी कि पहले तो था मैं अकेला, इब मेरे साथ आ लिए पहलवान जी। अब तो आप यूं समझो कि जमीनों को पहिए लग रहे हैं। बस एक आध महीने में सारी की सारी जमीनें आपके पास आ जाएंगी खुद ब खुद। सर एक छोटी सी एक्सटेंशन सोच रहा था, अगर ये साथ वाला प्लॉट ले लिया जाए तो मम्मी जी के लिए एक पर्सनल फार्म हाउस तैयार किया जा सकता है। ओ, मम्मी के लिए फार्म हाउस बनाना है तो यहाँ यहाँ क्यों ना यहाँ बनाया जाए। और ये जो तालाब है इसको झील बनाया जा सकता है, इसमें किश्तियां वगैरह। साहब जी अंगली हटा लीजिए, अंगली हटा लीजिए, ये जमीन नहीं, ये तो ततैया का छाता है। क्या हुआ साहब? बादर शुक्र कीजिए कि आपकी अंगली बच गई। ये जमीन मोटी बुद्धि के पहलवान सत्ते की है। अरे सत्ते की हो या अट्ठे की, पैसा फेंको, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी कीमत ना। पापा, पापा। हाय मम्मी। हाय एवरीबॉडी। आओ बेटे, देखो हम तुम्हारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं। कम ऑन पापा, आप जानते हैं ना मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटे हम तुम्हारे लिए फार्म हाउस प्लान कर रहे हैं। हाउस तो हमारे पास बहुत है पापा। फार्म चलेगा। पहलवान जी, मैं न्यू ही नहीं कहूँ था कि बड़े लोगों की सोच भी बड़ी हो है। थम बावली पूछ है, खेतों में डालो हो बीज और काटो हो अनाज, और ये बड़े लोग खेतों के बनावे फार्म हाउस, बीजे रुपये काटे नोट, वह भी काचे काचे। पापा आपका सेल बज रहा है। कहाँ कहाँ है मेरा सेल? अंदर केबिन में। ओ अबे ओ घमचक्कर, अब सीधा इधर आ जा। अरे भाड़ में गई तेरी फ्लाइट, तो फिर कब आएगा? अबे साले एनआरआई, तेरे को अकल नहीं आई। हाँ 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 सुरेश है, पर तू कैसे जानता है उसे? धत तेरे की, पहले क्यों नहीं बता अपना ये लड़का है? हाँ अच्छा है, अपने बाप से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अबे साले तू तो बदमाश है। हाँ चल ठीक है, तो दिसंबर में फाइनल कर लेते हैं। हाँ हाँ सामने बैठी है बात। अबे साले तू फोन रखेगा तब करूंगा ना बात। ठीक है बाय। ओके क्या हुआ? अब पापा कहेंगे लड़का तो अच्छा है, क्यों पम्मी? फिर पम्मी क्या कहेगी? कद्दू, शक्कर डाल दो तो हलवा, नमक डाल दो तो सब्जी, अपना तो कोई करैक्टर ही नहीं। पापा हस्बैंड एक शेल्टर होना चाहिए, छतरी की तरह, जो आपके मन पर आपकी भावना पर छाया हुआ हो, जिससे आप प्यार करें। है कोई? है? अरे कोई है? यस सर। ओह मर गए।
शाबाश बेटे शाबाश। गाल गाल, अरे यूं हाथ डाल के पटक दे, लगा पीट पीट। आए उस आजी मार दिया, ये सवा महीने का कर दिया। ऐ तेरा ससुरा, 20 होली खेल लिया और यू कवे सवा महीने का कर दिया। उस्ताद जी, इसका होलिया जप्पा और इसका गलवा दो गूंद। ए नालायक, नू तो लुगाई पड़ी रहा जप्पे में। अरे उस्ताद जी, मार दिया, दिखा दिया दिन में धुरु तारा। मैं तो खुशखबरी देने आया था। उस्ताद जी, हम तो नहीं सोचा थे कि पीछे लेकर मिठाई खावांगे। मिठाई किस बात की? आपका वो होनार छोरा है ना, वो ब्रह्मचारिता छोड़ के और देवी की शरण में जा लिया। के मतलब कौन है आपका? हरियाणा केसरी ओ 72 किलो। तेरा मतलब सत्ते? हाँ उस्ताद जी, सत्ते कर दिया एक छोरी ने फते। कितने सत्ते? आजकल ना मिलता हो ढूंढा भी, हमारी तो सारी जासूसी फैल होली। अरे उस्ताद जी, वह काराली छोरी आवे है और सत्ता पहलवाने पट्ठा उमेद सिंह न्यू बंदर की लड़ा कुद्दी मार के न्यू चला जा है। यो गया वो गया। क्या बात है पहलवान जी, बड़े चुप चुप से हो। नए कोई बात तो है, यहाँ चारों तरफ हरियाली देखकर तुम खुश नहीं हो क्या? जी भी तो उदास हूँ, हरियाली देखने का टाइम धीरे धीरे जान लग रहा। क्या मतलब? मतबल साफ है, 2 साल पीछे यह हरियाली गायब हो जाएगी और यहाँ पाऊंगे रोड़ी बजरपुर गाटर सरिया के जंजाल, 10-10 मंजिले मकान, फैक्ट्रियां, सड़कें, कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी, कारें, धुम्मा। तुम्हें इस जगह की तरक्की पसंद नहीं क्या? तरक्की करके भी तो खानी रोटी पड़ेगी। तू बता, तू भी तो रोटी खावे। रोटी अनाज तो पैसे से आता है और फिर यहाँ के लोगों को जमीन की अच्छी कीमत भी तो मिल रही होगी। आज तो कीमत ले लेंगे, लेकिन कल के करेगी उनकी औलाद। सत्ते, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, एक चीज खरीदते हैं, जब उसका अच्छा भाव मिलता है तो उसे बेचकर कुछ और खरीद लेते हैं। यही चलन है, दुनिया ऐसे ही चलती है। बस अम्मी, या दुनिया नू ना चलती है और दिखे हर चीज ना बिकती। यो माटी पता क्या होवे, यो माँ होवे माँ, थारा भी तो माँ होगी ना? नहीं सत्ते, मेरी माँ तो बचपन में ही नहीं रही। जी भी तो इब सुन, माँ अपने बालक ने अपने खून ते बनावे और बालक उसकी गोद में हक दे मूद दे, और माँ उसने अपनी छाती से लगा के दूध पिलावे, और माँ उस बालक से के चावे एक छोटी सी मुस्कान, एक हंसी, बस।
इस माटी में तुम प्यार का एक बीज डाल दो, फिर चाहे जितना मर्जी गंद डाले जाओ, और यह माटी तुम्हें देगी 1000 अन्न का पौधा। यो बिजनेसमैन की तरह बिजनेस नहीं करती मैडम, यह धरती बिजनेस करने की चीज ना है, यो रिश्ता हो वे। और ये बिजनेसमैन इस रिश्ते की कीमत के जाने, किसान और जमीन का रिश्ता तो माँ बेटे का रिश्ता हो वे, और इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती, पूरी की पूरी जान हो वे जान। आज से मैं तुम्हारी हुई, क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? रे दिल में क्या करेगी, तू पूरी की पूरी छाती पर लौट जा, रे तेरी तो सत्ती में मर जाऊंगी। जी पहलवान से दिल लगाओगी, पसली तो तुड़वाओगी। मैं मर जाऊंगी सत्ते, पर मेरी तो अब शुरू हुई है। या टाली टन टन बाजी, मैं आधे अंग की साची। या टाली टन टन बाजी, मैं आधे अंग की साची। मैं आधे अंग की साची, मैं आधे अंग की साची। तेरा मेरा दिल राजी, तो के करेगा काजी। तेरा मेरा दिल राजी, तो के करेगा काजी। तो के करेगा काजी, तो के करेगा काजी। या टाली टन टन बाजी, मैं आधे अंग की साची। या टाली टन टन बाजी, मैं आधे अंग की साची। संग संग जीना मरना, हम खेले प्यार की बाजी। इब संग संग जीना मरना, हम खेले प्यार की बाजी। हम खेले प्यार की बाजी, हम खेले प्यार की बाजी। तेरा मेरा दिल राजी, तो के करेगा काजी। I'm not
साल महीना इब तेरे बिना नहीं जीना, दिन हफ्ता न साल महीना इब तेरे बिना नहीं जीना, आओ करके चौड़ा सीना बोल हाजी हाजी हाजी, आओ करके चौड़ा सीना बोल हाजी हाजी हाजी, बोल हाजी हाजी हाजी, बोल हाजी हाजी हाजी, तेरा मेरा दिल राजी तो के करेगा काजी, किया टाली तन तन बाजी मैं आधे अंग की साजी, तेरा मेरा दिल राजी तो के करेगा काजी। अरे नई मोटरसाइकिल और के अरे हम करोड़पति आदमी पुरानी ले आवे एकदम तरोताजी है। अरे कते का काची चला के ले चला ले आती। अरे अट तम तो गांव के उती रहोगे। अरे भले मानस जो हमेशा मिट्टी में चला के ले आऊंगे तो इसके टायर गंदे ना हो जाएंगे। अरे तू छोड़ ही ना, ये गांव के मूर्ख गमार आदमी ये के जाने, चलो चलो रे इसे छत पर लाद देंगे। छत पे क्या करोगे भाई इसका? सारे गांव को पता चल जाएगा अक्यू सरवण इब इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। अरे देखे पौने 85 दिन में करोड़पति हो जाएगा गांव का सबसे अमीर आदमी। अरे भाई ऐसी बात भी ना, अरे अभी इतनी चढ़ी भी ना, करोड़पति तो बाबा चांदराम भी हो जाएगा। अरे अभी तो उसकी 3 छोरी और 2 बालक प्यान लायक हो रे, 2 साल में तो उसका नाश हो जाएगा। सुना बे जगबीरा। अरे जीप का रोप दिखा रहा के ओ तांगे वाले, इस तांगे को उल्टा मोड़, हम अभी जाते हैं इस मोटरसाइकिल को बदल के लाते हैं और जीप को लेकर आते हैं। गांव वालों तम यही खड़े रहियो पीछे, और पीछे तो हम अपनी जेब में ले अंडे। जगबीरा तो गुस्से में आ गया दिखा है भाई। अरे यार बंदूक कितने की आवे भाई? बेरानी भाई या कते की आवे नाम मिल जाते। अरे रुक जा, कहाँ भाग गए? से अपनी लुगाई और बालकों का ध्यान आगे दिखे। जीप की कैंसिल। गांव वालों तुम यही रुक जाओ, इस गांव में बंदूक नहीं तो पाओगी तो यहाँ फूटेंगे बम और मौज लेवेंगे हम। गांव वाला देखते रह जाइयो तुम। छतरदारी भाई राम राम, तेरे मानस गलती से मन्ने उठा लिया है। कहिए रे कहिए। मेरे मानस कदे गलती नहीं करते। ये तो कामू तो ऊपर ने उठा ले, कदे गलती हो जाए तेरी बाबी डोली धोती में कतई बूंदी लगेगी। मेरी जमीन का बयाना क्यों करनी होया भाई? सब कुछ तेरे आगे है, मन ने तेरे आगे सब कुछ खोल रखे। वो उता का उत्सव काय का साहब, तेले की भी अकल को नहीं। मुझे नहीं पता मेरी तेरी खोल हुई थी, अक मैं गांव की जमीन ना का बयाना करवा दूं, न्यारते शराबते और लुगाइया ते और आखिर में धमका के बोल हुई थी कि ना हुई थी 16 आने हुई थी और यह भी खोल हुई थी। अब तू मेरे 15 किले बिकवाओगा बोल, या हमेशा के लिए चुप करा दूं? या जान खड़ी के आगे तो कुछ भी कुबलवा ले। पर खोल या हुई थी के कोशिश करांगे। तो कोशिश कर रहे हैं, गणी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बयाना चाहिए बयाना, नहीं तो यू बोल ले।
जो बात है खोल के बोल। के बोलू मने के खट्या है, जमीन के ब्यानिया के पैसे थारे दो रहे है, मैंने तो आज तक बोनी भी नहीं करी। अच्छा भला कबाड़िए का काम करू था, घर की दाल रोटी चल रही थी, जमीन के पैसे तो आज तक देखे भी को नहीं मैंने। अरे तू तो कह रहा भाई जाज में उड़ू, आज अटे काल उड़े। एक बार जगबीरा भाई ठह कर दे, इब्बे तेरे सामने उड़ के दिखा दूंगा। ए भाई छतरदारी, मैंने तो तेरी खतर आर्किटेक्ट भी पटाया था, इब उसकी भी बेचारे की पेश ना चले, मैं क्या करूं? तो फिर एक काम कर, या तो मेरे 15 किले का बयाना करवा दे, और नहीं ते या फिर और आओ की छोरी के लावेगा, बोल। अरे बोलता क्यों ना? क्या बोला छतरदारी? हाँ बोला ते भाग क्या मरा, ना बोला ते गोली, ते मना गोली मार दे, कुत्ता ही गोली मार दे, भाग क्या मरा ते तो अच्छा के गोली खा के मरा। अरे भाई सोचन का टाइम तो दे दे। सोचन वाला टाइम कोना? राव साहब की छोरी कोई कबूतरी तो है नहीं, कई यूं दाना फेंक्या और थारी छतरी पे चोगा चुगड़ खातर आ गई। भाई मेरे कोई जुगाड़ लगा दे। क्या जुगाड़ लगाओगा, कितना टाइम? अरे मानस खानी खिलौना नहीं है भाई, जब चाहे जिधर मर्जी घुमा दी, कुछ हौसला रख टे मार दे। ये सारा एरिया गार्डन एंड स्विमिंग पूल का। चलो ये काम तो लैंडस्केप डिजाइनर करेगा। सर कब काम शुरू करवाना चाहेंगे? हमारी ओर से चाहे कल शुरू कर लो। राव साहब जिस जमीन पर महल बनाने जा रहे हो उस जमीन का तो सोचो जी। इसमें सोचना क्या है, प्राइस ऑफर करो, सौदेबाजी करे तो सौदेबाजी करो, प्राइस की कोई चिंता नहीं है। ये लैंड हमें बेचनी तो है नहीं, ये लैंड दलाल, ये लैंड दिलाओ। दलाल साहब को इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। क्यों क्या हुआ? दलाल तो कह रहा था वो चिड़िया की आंख। भाई क्या वो क्या कह रहे थे तुम? वो राय साहब यूं कह रहा था मैं के चिड़िया की आंख से सुरमा निकाल लूं, पर शेर के मुंह से मांस निकालने के लिए उसके मुंह में हाथ तो डालना पड़ेगा ना, तो क्या हाथ बचेगा क्या? क्यों इसका मालिक कोई शेरवीर है? अरे बहुत कसूता शेर है जी। चैलेंज करते हो? अरे राम 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 राम, हम कीड़े मकोड़े गुड़ के गोदाम में घुस के गुड़ तो खा सके सर, पर गुड़ के मालिक थोड़े ही बन सका। मैं तो उससे हार गया जी, बिना लड़े ही हार गया जी। ऐसी क्या बात हुई? हम खुद उससे मिलेंगे, उसकी जमीन पे चलेंगे। क्यों सुरेश? सर आप हमें दलाल साहब बस ये बता दीजिए वो कब मिलेगा। हाय एवरीबॉडी, पापा मुझे आपसे बात करनी है। यस माय चाइल्ड, हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं। पापा मैं भी आपको सरप्राइज देने वाली हूँ। क्यों कोई पसंद आ गया क्या? सचमुच सरप्राइज? कौन है? पापा आप अंदर तो चलो, बताती हूँ ना, चलो चलो पापा। क्या बात है सुरेश साहब? नहीं कुछ नहीं, जाओ दलाल अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ सुरेश साहब। क्या मतलब? मतलब चिड़िया की आंख से सुरमा काट लिया हूँ। सुरेश साहब इश्क मुश्क ते खांसी खुश्क कदे छुपाए नहीं छुपते, हमने भी जिंदगी देखी है, हम भी काम के बंदे हैं।
क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी कर सकूं हूं मैं, पम्मी मतलब आप तो मैं पम्मी से प्यार करता हूँ ये भी ना कह सकते हैं। फिर प्यार क्या करोगे हैं? आप पम्मी ने यूं ही चाहो के ब्याह करना चाहो? ब्याह? सोच लो, सिर्फ 10वीं पास और वो भी खेती और किसानी करने वाला। कम ऑन पम्मी, ये प्यार नहीं इन्फेक्चुएशन है। मेरा ख्याल है तुम दोबारा सोचो। क्या नाम है उसका? नाम तो अभी नहीं बताऊंगी पापा, पर पापा मैं उसे पिछले 3 महीनों से मिल रही हूँ और सच बात तो ये है कि मैं आपकी यहाँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती। अगर मैं ना कह दूं तो? कोई बात नहीं पापा, मैं शादी ही नहीं करूंगी। आखिर क्या है इन पढ़े लिखे और इंग्लिश बोलने वालों में? सब नकली पोजियर, पढ़े लिखे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ये सब हमारे एम्प्लॉय ही तो हैं। और रही अमीरी, तो क्या इतना ये सब कम है? अब अगर जरूरत है तो सिर्फ एक सच्चे इंसान की। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे भी बड़ा अजीब लगा था पापा, लेकिन वो बहुत नेक लड़का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पष्ट और सच्चा है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। जरूर मिलिए पापा, बोलिए कब चलेंगे आप? पापा मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। और तुम जानती हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज वो मुझे अपनी माँ और गुरु से मिलवाने जाना चाहता है, मैं जाऊं? कहीं डर सा लग गया, सुनी सुनाई कथा कहानी सी लग गया, तू और तेरा आना। ले भाभी खा। इतनी मिठाई के बात भाभी काट रहेगी, और ले आऊं के? ले ले बेटी, माँ ही बहुत ज्यादा है, एक तो खा ले। भाभी तू शुरू तो कर, कदम हम कर देंगे। ये तो डांगर है पूरे, किसी बारात में चले जा तो छोरी आड़ा के सारे हलवाई भाग जा। ताई बहू तो जमाए सुतरी है। बेटी एक बात पूछू, तू शहरा में पढ़ी लिखी, कार मोटरा में घूमे, तने गामा की धूल मिट्टी कूड़े गोबर में रहन की क्यों कर सोची? माँ मुझे नहीं पता मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, पर हाँ माँ मैं इतना बता दूं, हमारे समाज में लड़कियां ससुराल को अपना घर मानती हैं। मेरे पापा ने मुझे शहर में जीना सिखाया, मैंने माँ को नहीं देखा, पर अब मैं माँ का रूप देखना चाहती हूँ। आप मुझे गांव में रहना नहीं सिखाएंगी? आज इस घर ने
20 साल बाद खुशी देखी है। ले बेटी मुंह मीठा कर, ले सत्ते तू भी मुंह मीठा कर, चालो रे डांगरो तब मैं मिठाई खा लो। यार बनेगा हमारा दूल्हा, हाँ यार बनेगा हमारा दूल्हा, डीजे बजावांगे यार बनेगा हमारा दूल्हा, डीजे बजावांगे रेडी जे बजावांगे, रेडी जे बजावांगे, ढोल बजावेगा ढोली, ढोल बजावेगा ढोली, रे भंगड़े पावांगे यार बनेगा हमारा दूल्हा, रे डीजे बजावांगे। कच्ची कली रे बापी लाटा पड़ी से, यार का सुसरा सुनिया घना धनी से, यार का सुसरा सुनिया घना धनी से, उसकी कार के आगे, हाँ उसकी कार के आगे, रे बुगिया दौड़ावांगे उसकी कार के आगे, रे बुगिया दौड़ावांगे, रे बुगिया दौड़ावांगे, बुगिया दौड़ावांगे, ढोल बजावेगा ढोली, रे पंगड़े पावांगे यार बनेगा हमारा दूल्हा, रे डीजे बजावांगे। दूर शहर ते मेमरे आई, वातो बनेगी मारे भाई की लुगाई, वातो बनेगी मारे भाई की लुगाई, बंटी चंटी और संटी, अरे बंटी चंटी और संटी, मैं पेट पे मुतावांगे बंटी चंटी और संटी, मैं पेट पे मुतावांगे, रे पेट पे मुतावांगे, रे लोरी सुनावांगे, ढोल बजावेगा ढोली, रे भंगड़े पावांगे यार बनेगा हमारा दूल्हा, रे डीजे बजावांगे। चेहरा गुलाबी यारो होली भी खेले, रंग के गुब्बारे भर के खूब रे पेले, रंग के गुब्बारे भर के खूब रे पेले, भाभी जब कोलड़ा घुमावे, हाँ भाभी जब कोलड़ा घुमावे, गुलाल लगावांगे भाभी जब कोलड़ा घुमावे, गुलाल लगावांगे, गुलाल लगावांगे, रे धूम मचावांगे, ढोल बजावेगा ढोली, रे भंगड़े पावांगे यार बनेगा हमारा दूल्हा, रे डीजे बजावांगे, हाँ ढोल बजावेगा ढोली, रे भंगड़े पावांगे यार बनेगा हमारा दूल्हा, रे डीजे बजावांगे, यार बनेगा हमारा दूल्हा, रे डीजे बजावांगे।
और दूसरों के घर आके न्यू नक्शे बनाए जाओ सुरेश बाबू, अपने घर का प्लाट भी कोना। आओ दलाल, ये कागजा पर सकीमा तभी कामयाब हो है जब असल में डाल दियो। पर प्लानिंग तो पहले ही करनी पड़ती है। के प्लान करा भाई? ये 1175 एकड़ में 590 प्लॉट, यानी 1180 घर, सड़कें, ट्यूबवेल, पानी और बिजली। सुरेश बाबू, अपने घर के बारे में भी कुछ सोचा कि नहीं? पम्मी के साथ घर, बेडरूम और बच्चों का कमरा? नहीं दलाल, मैं अपने पापा के पास इंग्लैंड चला जाऊंगा। इस पम्मी पर पता नहीं उस गवई लड़के ने क्या जादू कर दिया है। तुम दलाल हो, उस लड़के से सौदा करवा दो, पम्मी से दूर हो जाए। 1 करोड़, 2, 4, 5, 10 जितने मांगे हाँ कर दो। आप इतने दे सकोगे? मेरे पापा राव साहब से कम अमीर नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ पम्मी की खातिर नौकरी कर रहा था। दलाल, मेरा काम करवा दो, मैं तुम्हें इतना दूंगा तुम गिन भी ना सकोगे। बोलो, करोगे मेरा काम? सुरेश बाबू, आप तो जानते हो कि मैं तो चिड़िया की आंखों से सुरमा निकाल के ले आऊं। पर क्या मतलब, इस सौदे का गवाह कौन है? गवाह मतलब कैसा गवाह? बोलो, किसे गवाह बनाना चाहते हो तुम? लक्ष्मी माता ने बना लियो गवाह? आज तड़के तो हाथों में खांसी हो रही है। सुना है पहलवान बहुत पसंद है जी। हमारे साथ भी गाना गा ले, सारी उम्र रखनी गाओगी। अरे डेडर, तू सड़क के बीच में डोडा ने अड़ा के खड़ा हो गया, बुग्गी के तेरे सर पे कैसे जागी? क्या लिखा वैसे? कोबड़े पे मारूंगी गुत्ती काट के, चल तावन। खुश रहो बेटी। देखो बेटी, ये ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, यहाँ स्त्रियों बाण बेटियों का जोर के टाइम आना मना है। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी गुरुजी, पर मेरा पहलवान जी से मिलना बहुत जरूरी था। पहलवान जी, मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, जब जी में आवे आके मिल लेंगे। कहाँ? यहीं आके मिल लेंगे, गुरुजी से बात कर लेंगे। ना बेटा, ये शादी और रिश्ते के लिए बात करना ये जगह ठीक ना है। चलो तो हमारे खेत पे चलो, काची काची मूलियां हैं। गुरुजी, इन्होंने जिनसे मिलना है वो मेरे पापा हैं, और पहलवान जी के भी पापा समान। पहलवान जी, आप मेरे घर ना सही, मेरे दफ्तर तो चल सकते हैं। बात तो ठीक है, क्यों सत्य? जो हुकुम करो उस्ताद जी। तो कल मारा कौन जी फैक्ट्री चल रही है, मारा दोनों तो टाइम ही टाइम है, कहो तो अभी चलें। आज नहीं, आज तो उन्होंने किसी जमीन की बात करने जाना है। बोलो कल ठीक? शाम 5 बजे लेने आऊंगी। ठीक है, बता कैसे लगते बैर गाऊं?
आप जैसे भी हो अच्छे लगते हो। आज तो गुरुजी इज्जत लुटती लुटती बच गई जमा। ना तो फिर प्रायश्चित करना पड़ता। अरे उस बेचारी ने अखाड़े के नियमा का बेरा कोई न था। चलो अभी का ना टाइम है, अपना अपना काम करो चलो। ले यो आ गया काम उजाड़ू। जय बजरंगबली उस्ताद जी। अरे यू है कुबड़ी मंत्रा का कलयुगी अवतार मारा सुसरा। रे चलो अपना अपना काम करो। हाँ भाई माधो बैठ। यो जोड़े में किली रस भाई। जोड़े में छोले ले रहा होगा बंदर खातर और के ले रहा। माँ दूध लाल है। अच्छा तो समझ ले फिर किसी की जमीन गई। हाँ भाई माँ तो बता आगे बात। बात यो है उस्ताद जी के सारे गांव में ढूंढ ढूंढ के मैं यहाँ पे सत्य को संदेशा देने खातर आया हूँ। क्यों के बात है दलाल? दलाली का धंधा छोड़ दिया गए? अरे भाई तेरे जैसे आशका ने रिश्ता करण टाइम बिचोलों का तो काम ही खत्म कर दिया। अब तो बिचोले रह गए इन्हीं काम के वास्ते। दिखा काम की बात कर। काम की काम की बात यो है कि पम्मी का बापू तेरे को मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा भाई। तो मैं क्या मना करूं? अरे ये करी ना सलाने खरी बात। तो आ फिर बैठ मेरे मोटरसाइकिल के पीछे चल रहे। पर वो तो कल मिलने कह रहे थे। अरे यार बड़े लोगों की बड़ी बात। मुझे तो यूं कहा कि सत्ते को लेके उसी के खेतों में आ जा। उस्ताद जी जाऊंगे? बात तो ठीक है जा। बजरंग बली भली के बली। चला फिर बैठ हमारे मोटरसाइकिल के पीछे। ना दलाल ना, तेरे पीछे बैठने का मतलब है तेरा इमाती बनना। तू जा मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा उस्ताद जी चलूं। उस्ताद जी यू दलाल का बीच माना अच्छा सुगुन ना है। बेटा यू तो मेरा दिल भी गवाही नहीं देता, लेकिन बजरंग बली पे भरोसा रख, वही हैं भली के बली। जा बेटा। ये है अमीरों की शान। वाह वाह वाह, एक एक कदम राजे महाराजे। इस साहब ने गांव में आके गांव की बंजर और सूखी माटी को सोना बना दिया सोना।
और तजा बनाए दे लीडर कहने ते पहले गाने बजाने वाला। जाके साहब को प्रणाम करिए, तेरा होने वाला ससुर है। जियो बेटा। माधव, तुम तो कहते थे लड़का बहुत जिद्दी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। राज साहब, आपके पास पहुंच के तो लोहा भी मुंह हो जा। यूं इससे लाके के छोरे बात असूला ले है जी। ओ, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम्हारी डिमांड क्या है? सत्य भाई, साहब यूं कहे कि अगर कोई रुपए पैसे की ख्वाहिश हो तो बोल। ना जी ना, मारी कोई डिमांड ना, सब बजरंग बली की कृपा है, बस वही सादा सादा। वाह, क्या बात कही है। चलो मैं अपनी तरफ से 30 लाख एकड़ ऑफर करता हूँ। अजी हम क्या करेंगे 30 लाख का, आप हमें बस आशीर्वाद दे देना, वही काफी है। कितने एकड़ हैं? जी 10 किल्ले, गुजारा हो जाए बस। 30 लाख यानि 3 करोड़। चलो माधव, 3 करोड़ का बयाना कर लो। कौन सा बयाना जी? मन्ने मेरे तक कौन सा बयाना करो जी? मन्ने किसका बयाना करना जी? मन्ने राव साहब, एक मिनट। अरे सत्ते भाई, क्यों किया किराए पे पानी फेर रहे हो? राव साहब ने अपनी छोरी को न्यू ही तुम्हारे पीछे नहीं लगा रखा, ये अमीरा के चोचले न्यू ही नहीं होया करते, मौका है। के मतलब यो राव साहब जमीन ना का व्यापारी है? ओ बावली पूछ, वो 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ मांग, 5 करोड़ और गोली मार अपने असूला ने, ये बाप बेटी व्यापारी होया करा। और तू क्यों पीछे रहने लग रहा है? राव साहब 5 करोड़ 5। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे इसे छोड़ दो भाई, अरे अरे छोड़ दो, जा चला जा। तू जमीन का व्यापारी है, हमारी माँ का सौदा करे, हमारी माँ का? मैंने जताया था राव साहब, ये छोरा कतई उतर दीदी उतर जी, अपने सारे हाथ पैर के लियो, ये पूरे हैं तब आ लियो, मेरा तो एक हाथ कट गया जी। पापा, आज आप कितने बजे फ्री रहेंगे? क्यों, कोई काम है? ओ मेरे भुलक्कड़ पापा, आज आपने किसी से मिलने का वादा कर रखा है। किससे? उससे। उससे किससे? उसी से पापा। ठीक है, मैं आज ऑफिस में ही हूँ, तुम जब चाहो। नहीं पापा, यहाँ नहीं लाऊंगी। तो घर पर लाऊंगी। ठीक है, ओके। आई लव यू पापा। आई लव यू टू माई चाइल्ड। कोई है के? सत्ते, रे सत्ते। राम राम जी। जय बजरंगबली। बली
सत्ता कित है, अखाड़े में भी नहीं आता आजकल। न्यूए पड़ा रहा, न खाता न पीता, सारी रात न्यूए काट दी। बुलाओ उसे। मेरे उठान तो ना उठता, आपे बुला लो। हे राम, यके पड़े पड़े वित्तान पड़ी। इन अमीर लोगा का पैसे को छोड़ और कोई धर्म नहीं होता। देखा, उसकी सगी छोरी ने सीधे साधे छोरे पे जमीन की खातर डोरे डाले। देखो कैसी चाल चली, छोरे ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा दिया, और अपना सत्ता तो यूं ही जमीन के कागज पर दस्तखत कर देता। नहीं पता नहीं, पर मेरा दिल नहीं मानता कि तक कोई खोट जरूर है। कुछ नहीं, ये सारा खोट है तेरी चरित्र। ना जी, मेरा मन नहीं मानता। उस लड़की की आंखें झूठ तो ना कह सकती। केवेरा, अपने सत्ते की हालत देख के तो सारा संसार झूठा लगन लाग रहा। कितसे सत्ता, ओ सत्ते, अरे दुनिया खत्म नहीं होली। तेरी माँ तेरी खुशी की खातिर जी रही है, तेरे बाप के मरने का गम अपने सीने में दबाए तेरे लिए जी रही है। देख बेटा, एक छोरी की खातिर घर को बर्बाद नहीं करते। अरे ना ना, मुझे तो वही हंसता मुस्कुराता सत्य चाहिए। जा बेटा जा, हाथ मुंह धो के साफ सुथरा बन के मेरे सामने आ। एक बार मिल जाए वो और उसका बाप तो चीर के धर दूं। देख बेटा, मेरे से तेरा यह दर्द नहीं सहा जाता। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस छोरी और उसके पिताजी से मुझे कोई शिकायत नहीं, पर दुख तो इस बात का है कि मैं उनके चंगुल में कैसे फंस गया। हम तो सीधे साधे लोग हैं, इन अमीरों के चोचले हम के जाने। ना मां, वे लोग तो व्यापारी हैं, पैसों की खातिर छल कपट झूठ फरेब प्यार नफरत कुछ भी कर सके हैं। यूं तो उनका व्यापार है मां, पर मैं कौन सा व्यापार करने चल पड़ा। मेरा उनका क्या मेल था, मैं वो चोरी के चक्कर में आके अपने आप को भूल गया मां, अपने आप को। चल छोड़ी, और कल तक अखाड़े में जाना शुरू कर। जा बेटा, बजरंग बली की शरण में जा, वही है भली के बली। उस्ताद जी, मैं तो बजरंग बली का भी गुनहगार हूं, उनके धुरे जाते हुए मुझे शर्म सी आवे। मैं के करूं उस्ताद जी, मैं कुकर और छोरी के प्यार में पागल हो गया। हत्ता में जान निद्रे, वहां अखाड़े में तो बहुत जा, तू कित गई जान तेरी, जोर तो कर। राम राम छतरधारी भाई। ये क्या बात भाई, ना दरबार ना दरबारी। तू अपनी बात कर, तन्ने मेरे दरबार से जगीरा लेनी आके, बता मेरा काम होया के ना। खुशखबरी देने आया हूं। कुर्सी ले, चल रे अंदर चल। कहाँ है छोरी? अरे छतरदारी भाई, अब गाड़ी चलन लाग रही है, फिर रफ्तार पकड़ेगी, फिर बाजेगी, फिर तेरे स्टेशन दोरे आके रुक जाएगी। तू मतलब की बात घुमा फिरा के क्यों कर रहा है, सीधी सीधी क्यों नहीं करता? अरे छतरदारी, अब गाड़ी चलन लाग रही है, उस पर न्यू ही थोड़े को चढ़ जाया करे, टिकट लेनी पड़े। तू लटका यार है, सीधी सीधी बात नहीं करता ना। छतरदारी भाई, हम जमीन की कमीशन के काम में बराबर के हिस्सेदार, ये बात अलग है कि सारी कमीशन तेरे दो रहे है, पर इस छोरी के काम में तो हम हिस्सेदार नहीं हो सकते ना। नहीं फिर
सौदा कर। बोल। 1,00,000 दिया जद। तू अगर मुकर गया तो तन्ने कोई शक है इस बात का? अरे अरे राम 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 राम, तेरे पे शक करके अपनी नार तुड़वानी है के? फिर भी इस सौदे का कोई गवाह तो होना चाहिए ना। बता किसने बना होगा गवाह? लक्ष्मी माता ने बना लियो गवाह, तड़के ते हाथ में खाजरी है। सुरेश बाबू, आपका आधा काम तो हो लिया। उस पहलवान ने पम्मी तो बगा दी, अब रहेगी आपकी बात पक्की होनी। ठहर जा ससुरा, जब भी काम की बात होने लगे सलाद में खांसी होने लग जा। हैं? सुरेश बाबू मारो साली तली पे 1,00,000 रुपया। 1,00,000 तो तुम ले जा चुके। अरे सुरेश बाबू अब गिनन लाग पड़े, बाता तो करो करोड़ा की हैं? जब काम शुरू हो गया तो लाखाने भी गिनन चाल पड़े हैं? बाकी काम होने के बाद। एक बात खरी करूं जी, कि हमारी जिम्मेवारी है बात पक्की करवाने तक। शादी ब्याह की हमारी कोई गारंटी नहीं, कदे बाद में कहो कि सुहागरात की भी हमारी जिम्मेवारी है। सुबे सिंह, पम्मी कहाँ है? उसने कुछ खाया कि नहीं? मम्मी बेटा, जब तक झगड़े की वजह नहीं बताओगे हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? कम ऑन माई चाइल्ड, प्यार मोहब्बत में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अच्छा चलो, उस लड़के का नाम पता तो बताओ, हम खुद उससे मिल लेंगे। बस मैं खुद पता करके उससे मिलता हूँ। नहीं पापा, आप नहीं, मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद उससे पूछूंगी पापा। सत्य भाई, तेरे बिना यू खाड़ा जचता ना, देखिए मट्टी भी सूख गई। छोरे आरती करते थे पर आरती में ध्यान कोई ना, ना कोई जोर करे था और ना कोई हंसी मजाक। ईसा लागे था जनु तो कोई मंत्र मार के और इस खाड़े की खुशियां ने ले गया। पवित्र जगह पे आवे, रहने दो उस्ताद जी।
समझाओ उस्ताद जी, जो त्रिया चलित्र है युमन ने देख लिया, ये व्यापार और जमीन की खातिर प्यार का खेल खेल रहे हैं। हम गांव वालों के प्यार का और उनकी सादगी का मजाक उड़ावे। कौन सी जमीन, कैसी जमीन, मैंने ऐसा क्या कर दिया गुरुजी? मैं तो अपने पापा से। जय पापा पापा। उस्ताद जी, इस पाप की गठरी को यहाँ तक ठवा दो। मैं एक बार तो उसके प्यार में पागल हो गया, इतना होने का, जा चली जा। खामोश हो जा सत्ते। देखो बेटी, तुम और तारा परिवार व्यापारी लोग हो। रहन दे गुरुजी, गुरुजी की रागनी गाने को। उस्ताद जी से ऐसे जानो कह दो, हुकुम कर दो उस्ताद जी, ना तो यू सत्ता इस खाड़े की मट्टी को उठा के यू संकल्प ले से। नहीं, ना सत्ते, इसे बीच में पिताने वाली प्रतिज्ञा पर कर देना। मैं जीते जी मर जाऊंगी गुरुजी, पर कभी ना कभी आप मेरी सच्चाई जरूर जानेंगे। सुना है आपको पहलवान बहुत पसंद है। हम भी पहलवान है कर रहे हैं जी। यो तो पम्मी की आवाज है। रहन दो उस्ताद जी, यू त्रिया चलित्र का नया चलित्र होगा। बकवास बंद कर, ये है तेरे बजरंग बली की भक्ति? स्त्री मुसीबत में चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रही है और तू बजरंग बली का भगत? तू भली का बली ना है, जा।
अरे चिड़े। हाँ भाई। अरे बंदूक चलानी आवे तजे मन्ने तो आंधी नहीं तो ना आवे के हैं सीखे सीखे भाई सीखे। अरे चिड़े। हाँ भाई। अरे गोली एक और आदमी दो बहुत बेइंसाफी है यू। ये रा करा भाई बताई भी दोनों में से जो एक मुंह देगा ना उसे ही छोड़ देंगे हम मुत्तो। वे 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 सच्चे मुताने है के गंदे। अरे मुत दिया दोनों मुत के भाई पनकी बात भाई गोली तो एक का है। एक काम कर ले तू अब देखो भाई तब में से जो अपने मुत के उसके ऊपर लेट जाएगा उसे ही छोड़ देंगे। जहर जा अगर औरत पे मुसीबत आ जावे ना उसे बचाना पहलवान का धर्म होवे। अगर तू दुश्मन भी होती ना तो मैं तुझे फिर भी बचाता और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू आज ते पीछे मेरे से ना मिलिए। जा चली जा चली जा ऐसे। दलाल पता तो करो उस लड़के के बारे में क्या नाम है उसका किस खानदान से है। आपका हुक्म पता तो मैं दो दिन में कर दूंगा राव साहब पर अगर पम्मी मैडम कुछ अता पता बता देती तो न्यू ही आसान हो जाता। वैसे एक बात कहूं छोटा मुंह और बड़ी बात वैसे तो अपने सुरेश साहब भी घाट को ना आप पसंद तो हमें भी सुरेश ही है इसका बापू और मैं बचपन के दोस्त हैं। पर देखो सुरेश पम्मी की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। पर दलाल अरे हाँ पम्मी कह रही थी वो लड़का बड़ा शरीफ और भोला भाला है। वाह क्या बात कही राव साहब जमीना बिकने के पहले तो गांव के सारे छोरे काची माटी थे घड़ा बना दियो तो कलेजा ठंडा करने वाला पानी दे था दिया बना दियो तो चारों दिशाओं में रोशनी देने वाला। पर जमीना बिकने के बाद गांव का हर छोरा शराबा और ऐबा ने घेर लिया अब कोई बिरला बच गया हो तो न्यू ही पता चल जाएगा। क्या हुआ पापा आप जिसे भी पसंद करेंगे मुझे वही लड़का मंजूर होगा।
रह रड़ा दिया, खाड़िया का हीरा आज रे तुम्हें रह जला दिया, कपती दोपहरी दिल जे तुम्हें रह तो प्यार क्यों करिया तने, यूं तो बता दे बैरन खोट के करिया मने, प्यार ना निभाना था तो प्यार क्यों करिया तने, यूं तो बता दे बैरन खोट के करिया मने, धनी सुपने का लुट गया मैं आया जीव चे तुम्हें रह जला दिया, तपती दोपहरी दिल जे तुम्हें रह रड़ा दिया, या जिंदगी थी एक निर्मल पानी, आ गई एक दौलत की दीवानी, या जिंदगी थी एक निर्मल पानी, आ गई एक दौलत की दीवानी, रह चढ़ा सुके समंदरा की भेंट में रह रड़ा दिया, काड़िया का हीरा आज रेत में रह जड़ा दिया। पानी मछली जुरे तुम्हें रह जड़ा दिया, तपती दोपहरी दिल जेठ में रह रड़ा दिया। तने बेवफा बनाए हाट मास ते तने किसे रे सजाए, क्यों मेरे रब तने बेवफा बनाए हाट मास ते तने किसे रे सजाए, उजले मुखड़े से
दिल काड़ा धड़के इनके पेट में रह जड़ा दिया, तपती दोपहरी दिल जेठ में रे रड़ा दिया। ए राव, दरवाजा खोल। ए राव, तू बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। राव बाहर निकल, बाहर निकल। अरे कौन है, क्या बकवास है ये? अरे ऊपर से क्या बातें करता है, नीचे आ। उमराव सिंह, तू उमराव सिंह से राव साहब कैसे हो गया? उम्मेद सिंह, तुम बचपन में पहलवान थे, आज भी पहलवान हो। क्योंकि मैं तेरी तरह रंग नहीं बदला करता। तुम राव सिंह से राव साहब हो गया, नाम आधा और अमीर इतना कि गांव का गांव शहर का शहर खरीद ले। तू दौलत में इतना अंधा हो गया कि बच्चों की खुशियां खरीदने निकल चला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हुआ क्या? तुमने अपनी बेटी को सत्ते पहलवान की जमीन खरीदने में इस्तेमाल किया। शट अप उमेद सिंह, मैं व्यापारी हूँ, सौदा करता हूँ जिंसों का, जमीनों का, जमीर का नहीं। तेरी बेटी जिससे प्यार करती है, जिसके साथ जीवन बिताना चाहती है, उसकी जमीन, अपनी बेटी की जमीन खरीदेगा तू? जरा रुको, सोचने दो। वो सत्ते से प्यार करती है? क्या माधव दलाल को मालूम था मम्मी सत्ते से प्यार करती है? माधव, माधव तुम्हें पता था पम्मी और सत्ते एक दूसरे से प्यार करते हैं? सुरेश, तुम भी साजिश में शामिल हो। निकल जाओ अभी और इसी वक्त। बनेगा हमारा दूल्हा, हाँ यार बनेगा हमारा दूल्हा, डीजे बजावांगे। सोनू टेक कैसेट।